नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। थैले में लटके मिले नवजात के मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज। मेले में भारत विकास परिषद के सदस्यों ने लोगों को दिया स्वच्छता का संदेश। सामाजिक कार्यों से बढ़ती है भाईचारे व प्रेम की भावना, सतीश शर्मा। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र सम्मानित। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर हुआ गेस्ट लेक्चर का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। उपमंडल के गांव नाचरौन में अवर्धन नहर पुल के समीप बने मंदिर के गेट पर थैले में लटके मिले नवजात के मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मामले की गुत्थी सुलझा ली जाए। थाना जठलाना प्रभारी संदीप कुमार का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही मामले को ट्रेस कर लिया जाएगा। बता दें कि रविवार की सुबह अवर्धन नहर पुल के पास बने मंदिर के गेट पर कोई अज्ञात नवजात बच्चे को थैले में डालकर लटकाकर चला गया था। फिलहाल नवजात का यमुनानगर के नवजात शिशु केंद्र में इलाज चल रहा है। भारत विकास परिषद द्वारा जहारवीर गोगामाड़ी मेले में गोगामाड़ी स्थल पर लोगों को बैनर व पोस्टर के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया, ताकि मेला परिसर में स्वच्छता बनी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर बलदेव सैनी ने की। डॉक्टर बलदेव सैनी ने कहा कि स्वच्छता में ही ईश्वर निवास करता है। धार्मिक स्थल पर गंदगी न फैले, यह हम सभी का फर्ज बनता है। इसलिए शाखा की ओर से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं शाखा सचिव सरदार इंद्रजीत सिंह ने बताया कि भारत विकास परिषद शाखा की ओर से कई ऐसे प्रकल्प चलाए जाते हैं जिसमें समाज के लोगों का भला हो सके व आपसी तालमेल व प्रेम बना रहे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्ष से शाखा की ओर से मेले में प्रसाद वितरण किया जाता है। गांव किशनपुरा दामला में निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 300 लोगों की आंखें जांच कर उन्हें निशुल्क दवाइयां वितरित की गई। शिविर की अध्यक्षता आप नेता सतीश शर्मा धोड़ंग, शेर सिंह गुज्जर व जोगिंदर सिंह ने की। इस मौके पर डॉक्टर दीक्षित, मोहित, नितिन, मोनिका व मेघा ने अपनी टीम के साथ रोगों की आंखें जांची। सतीश शर्मा धोड़ंग ने कहा कि इस प्रकार के शिविर गरीब व मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सहायक होते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने के लिए गरीब लोग काफ़ी देर कर देते हैं, जिससे उनकी बीमारी बढ़ जाती है। इन शिविरों में वह डॉक्टरों की सलाह लेकर जल्द ही अपना इलाज शुरू कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सामाजिक कार्यों से समाज में आपसी भाईचारे व प्रेम की भावना भी बढ़ती है। दिल्ली पब्लिक स्कूल जगाधरी में आयोजित हुई जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में रादौर के मुकुंदलाल नेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल के छात्र देव राणा ने हैमर थ्रो शॉर्ट पुट में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं समीर खान ने 3 किलोमीटर दौड़, यसिका कंबोज ने 800 मीटर दौड़ तथा प्रभजोत कौर ने 400 मीटर दौड़ में क्रमशः दूसरा स्थान प्राप्त किया। इन सभी खिलाड़ियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन किया गया। वहीं दूसरी ओर 11 सितंबर को छछरौली में ओपन जिला स्तरीय प्रतियोगिता में पारस आहूजा ने शॉर्ट पुट डिस्कस थ्रो में प्रथम स्थान हासिल कर जिला स्तरीय प्रतियोगिता में जगह बनाई। स्कूल में पहुंचने पर आज प्रधानाचार्य बालकृष्ण ने इन सभी बच्चों को फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया। ग्लोबल रिसर्च ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट नाचरौन में एक गेस्ट लेक्चर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट संदीप कुमार द्वारा छात्रों को वर्तमान समय में सेहत को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में संदीप ने बताया कि शरीर के लिए किन महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है तथा इन्हें किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सेहत अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए भोजन में पोषक तत्वों के साथ साथ शारीरिक गतिविधियाँ भी जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि खान पान के साथ स्वस्थ रहने के लिए जीवन में योग का भी अहम योगदान है। रादौर व आसपास की खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।